नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज हम लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि घर पे तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह है 26 तारीख को आने ही वाला है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आसान तरीके से हम लोग किस तरह से घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है, और विवाह किस तरह से कम्प्लीट करेंगे। दोस्तों, बहुत लोगों को तुलसी विवाह घर में इसलिए कर, जिनके घर में कन्या संतान नहीं रहते वो घर में तुलसी विवाह करते हैं, और वो कहा जाता है कि इसमें जो है कन्यादान के समान पुण्य फल लाभ होता है। तो आइए चलिए सामान देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें तुलसी विवाह के दौरान चाहिए होगा। शुरू करते हैं हमारे गणपति जी से। ये हमारे गणपति जी है और इनके स्थापना हम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कोई भी विवाह, कोई भी मांगलिक कार्य, कुछ भी करने से पहले हमें जो है गणपति जी की पूजा स्थापना करना रहता है। और हमें चाहिए शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, अगर शालिग्राम नहीं है आपके पास तो आप शालिग्राम नारायण के कोई भी रूप, जैसे नारायण जी को ले सकते हैं, कृष्ण जी को ले सकते हैं, और उनके फ़ोटो ले सकते हैं इत्यादि लेके इनकी विवाह कर सकते हैं। कोई कोई लड्डू गोपाल जी को भी बैठाते हैं, मैं पर्सनली नहीं बैठाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो है वो बाल स्वरूप है, और इसीलिए मैं उनको विवाह में नहीं बैठाती हूँ। आप चाहे तो बैठा सकते हैं, ये आपके यहाँ पे अगर परंपरा है तो आप बैठा सकते हो। और हमें चाहिए तुलसी के पौधे। ये मेरे तुलसी के पौधे हैं, और इसमें जो मंजरी लगा है ये मंजरी अभी काटना नहीं है, क्योंकि ये विवाह के दौरान ये मंजरी हमें चढ़ाना रहता है, विष्णु जी को बहुत ही प्रिय रहती है। आइए देख लेते हैं और क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमें घर स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए हमें कलश चाहिए। इस तरह का एक कलश हमने तांबे का ले लिया है, और इसमें मोली बांध दिया है इनके गले में। और कलश स्थापना के लिए आपको चाहिए आम पल्लव, इस तरह का आम पल्लव ले लीजिए। थोड़ा सा घट में आप पानी ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, ऐसे इसमें मैंने गंगा जल रखा है, ये गंगा जल ले लीजिए। और आपको घर स्थापना के लिए चाहिए सुपारी, एक हल्दी, एक रुपये का कॉइन, और थोड़ा सा फूल वगैरह इत्यादि चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या क्या सामान चाहिए, थोड़ा सा हमें चाहिए चावल, और थोड़ा सा सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल नारायण जी को चढ़ाने के लिए, इनको चावल नहीं चढ़ता है तो हमने सफ़ेद तिल लिया है, यही चढ़ता है इनको। और थोड़ा सा मिठाई आप ले सकते हो, घर में मिठाई बना सकते हो, खीर पूड़ी वगैरह बना सकते हैं, तो वो भोग ले लीजिए। थोड़ा सा कलावा लेना है, बतासा लिया है हमने मिठाई के दर पे, बतासा भी लिया है, नारियल लिए है, और ये एप्पल लिया है। इधर पान के लिए हमने बनाया है पान, और पान के साथ लिया है थोड़ा सा इलायची और लौंग। और इसके बाद आते हैं इनके श्रृंगार के सामान पे। श्रृंगार के सामान में आप चाहे तो पूरा श्रृंगार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चूड़ी लिया है माता रानी को चढ़ाने के लिए, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और काजल इत्यादि लिया है श्रृंगार के सामान में। अब आते हैं हम जो शालिग्राम जी को चढ़ते हैं वो है ये मंजरी चढ़ते हैं, तो आप ये मंजरी ज़रूर ले लीजिए, और साथ में थोड़ा अष्टगंधा, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा मौली, ये रेड कुमकुम या मौली जो भी आप बोलते हैं, ये मौली थोड़ा सा रेड कुमकुम ये ले लीजिए। पंचामृत ज़रूर चाहिए होता है। पंचामृत के लिए हमें चाहिए दही, घी, दूध, शक्कर, और थोड़ा सा गंगाजल, या गंगाजल पानी के साथ मिक्स करके भी आप ले सकते हो, थोड़ा सा तुलसी के पत्र। ये जो पंचामृत बनता है भगवान जी के, कृष्ण जी के लिए या नारायण जी, शालिग्राम जी के लिए, इसमें तुलसी के पत्र डाला जाता है। नॉर्मल बाकी जो पंचामृत बनता है और शिव जी के और शिव परिवार के लिए और बाकी भगवान के लिए, वहाँ पे गणपति के लिए इनमें तुलसी के पत्र नहीं डाला जाता है। और भगवान के लिए जब नारायण जी के लिए बनाते हैं तो तुलसी पत्र चढ़ता है, तो ये पंचामृत के सामान है। इसके बाद हमने लिया है थोड़ा सा रंगा हुआ चावल, अलग अलग कलर से हमने रंग के रखा है। ये लिया है हमने अष्टदल कमल बनाने के लिए, जिसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। थोड़ा सा आप ले लीजिए घी का एक दिया ले लीजिए, घी डाल के तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा धूपबत्ती ले लीजिए और कपूर ले लीजिए। इस तरह से आप जो आरती के कुछ सामान ले लीजिए, लेना है आपको, और अभी लेना है कुछ श्रृंगार के सामान, फूल वगैरह जैसे मैंने कुछ ले लिया है। नारायण जी को चाहिए तो आप नया धोती नया पहना सकते हैं, येलो कलर का कोई धोती पहले से है तो उसको गंगा जल से शुद्ध करके वो पहना सकते हैं, या तो फिर रेड कलर का भी पहनाते, कोई कोई येलो कलर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, येलो कलर पहनाएंगे तो।
गठबंधन करने के लिए हमने येलो और रेड चुन्नी और येलो चुन्नी रखा है, और माता के लिए हमने यहाँ पे रेड कपड़े, नया रेड कपड़े और चुनरी, ये चुनरी रखा है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल सामान जो हमें चाहिए होगा पूजा के लिए। और हमें चाहिए दो इस तरह का, हमें हमने पटला स्थापन करके रखा है, ये देखिए, तो इस तरह का दो पटला हमें चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इनका तुलसी विवाह किस प्रकार से हम करेंगे। तो ऐसा एक हमने पटला ले लिया है, इसको येलो कपड़े से हमने ढक दिया है। थोड़ा सा चावल हम यहाँ पे लगा रखेंगे और इसके ऊपर ये स्थापन करेंगे। इसके ऊपर हमने बाकी चावल रख देनी है। इस चावल के साथ हमने हल्दी मिक्स किया हुआ है। हल्दी जो है भगवान को बहुत ही प्रिय रहते हैं। तो अब जो है गणपति जी को हम यहाँ पे प्रतिष्ठा कर देते हैं, और इनको भी हम रोली मोली से टीका करेंगे। सबसे पहले इनको हम टीका कर लेते हैं। कोई भी मांगलिक अनुष्ठान जब होता है तो सबसे पहले गणपति जी का स्थापना होती है, उनकी पूजा होती है, और उसके बाद ही किसी और चीज़ की और भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पे इनको हम फल चढ़ा देते हैं, और यहाँ पे हमने गणपति जी को स्थापना कर दिया है। अब हमें रखना है शालिग्राम जी को, तो यहाँ पे हमने रखा है शालिग्राम जी को। शालिग्राम जी को चंदन बहुत ही प्रिय होता है, तो सबसे पहले हम जो है इनको चंदन चढ़ाएंगे। आप चाहे तो चंदन पीस के भी चढ़ा सकते हैं, पाउडर करके भी रख सकते हैं, पाउडर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा शालिग्राम जी हो गया है। और अभी जो है हमें प्रतिष्ठा करना है, हमें नारायण जी को रखना है यहाँ पे। अगर आपके पास नारायण नहीं है तो आप कृष्णा जी को रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, और सिर्फ शालिग्राम जी को रख के उनके साथ भी ब्याह कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने नारायण जी को स्थापना कर लिया है। नारायण जी का हमने श्रृंगार पहले ही कर लिया था, आपको श्रृंगार की वीडियो भी शेयर किया हुआ है। चाहे तो आप येलो कपड़े पहना सकते हैं इस दिन, और चाहे तो आप रेड कलर के कपड़े से भी श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये हमारे नारायण जी भी बैठ गए हैं। अभी हमें करना है, सबसे पहले अभी हमें करना है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए हमने जो चावल लिया हुआ है वो चावल हम इधर रखेंगे। थोड़ा चावल रख के आप चाहे तो चावल का ऐसा गोला बना के भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। ऐसे इस तरह से बहुत ही आसानी से अष्टदल कमल बन जाता है। तो अष्टदल कमल बनाने के तो बहुत अलग अलग दिखाया भी जाता है, बहुत अच्छे से बनाया भी जाता है। तो हमने इस तरह से अष्टदल कमल बना लिया है। और इसके बाद हमने लोटा में थोड़ा सा गंगा जल और जल मिक्स करके, इस तरह से गंगा जल और जल मिक्स करके ये लोटा अभी यहाँ पे हम स्थापन करेंगे। इसमें हमें डालना है, इसमें हमें क्या क्या डालना है, हमने यहाँ पे फूल थोड़ा सा फूल लिया है, और हल्दी के गांठ लिया है, और ये 1 रुपये का कॉइन लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कलश में डालना है। और हमें चाहिए इसके ऊपर आम के पल्लव। तो आम पल्लव आप 5 आम पल्लव कोई भी ले लीजिए। 5 आम पल्लव इस तरह से लेना है, और इस तरह से हमें कलश स्थापना करनी है। दोस्तों कलश आप मंगल, ये कलश स्थापना के ऊपर आप चाहे तो नारियल रख सकते हैं, चाहे तो आप दिया भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मंगल कार्य है, मंगल कार्य में दिया भी रखा जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप नारियल भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। अभी जो है नारियल आपने ले लिया है, उस नारियल को लाल चुनरी से या लाल कपड़े से आपको इस तरह से फोल्ड करना है, और इसको मौली से बांध देना है। आपके अपने जो मौली लिया हुआ है उस मौली से अच्छे से इसको बांध देना है इस तरह से, और इसको बांध के फिर इसके ऊपर स्थापना करनी है। तो इस तरह से हमारा कलश स्थापना बहुत ही आसान तरीके से कलश स्थापना हो गया है। तो ये देखिए हमने कलश स्थापना कर लिया है। अब जो है हमने यहाँ पे तुलसी जी को स्थापन करना है, और अभी हम तुलसी जी के जो पौधे हैं वो पौधा को हम यहाँ पे रखेंगे, और इनका यथा संभव श्रृंगार हम करेंगे। तो इनके श्रृंगार के लिए जो भी सामान आपके पास है आप वो सामान सारे यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका श्रृंगार के सामान लिया है, मैंने ये रेड कपड़ा लिया है, नया रेड कपड़ा लिया है, तो इसी से हम इनकी श्रृंगार करेंगे। तो इस तरह से तुलसी जी को अगर हो सकता है तो कोई कोई साड़ी भी पहनाते हैं, लेकिन पौधे साड़ी का वजन ज़्यादा होता है तो पौधे को थोड़ा मुश्किल होता है साड़ी पहनाना।
लेकिन कोई कोई देखा है कि बहुत ही अच्छे से साड़ी भी पहना लेते हैं। अगर आप पहना पाते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मैं इस तरह से इनकी श्रृंगार करती हूँ। तो इस तरह से हमने नीचे इनके यहाँ पे कपड़े रेड कलर का पहनाया है, और एक ये रेड चुनरी हमने ले लिया है, तो इससे हम ढाकेंगे ऊपर से ऐसे घूंघट जैसे। कोशिश करेंगे कि इनको ऊपर से ऐसे घूंघट जैसे डाल सके। तो आपके पास अगर पौधा छोटा है तो आप छोटे कपड़े लीजिए। मेरे पास पौधा बड़ा पौधा है, इसीलिए मैंने जो है बड़ा कपड़ा इस तरह से लिया हुआ है। तो ऐसे इनको घूंघट हमने उड़ा दिया है, तुलसी माता को इस तरह से हमने घूंघट उड़ा दिया है। यहाँ पे आप चाहे तो सेफ्टी पिन से या किसी चीज़ से पिन कर सकते हो। इसको मैं इस तरह से यहाँ पे पिन कर देती हूँ, और ये देखिए इनको अभी हमने घूंघट उड़ा दिया है, तो इस तरह से ये पिन हो गया है। और इनको अभी हम थोड़ा सा और श्रृंगार कर लेते हैं, थोड़ा सा और सजा लेते हैं, क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो थोड़ा अच्छे से श्रृंगार करना भी चाहिए। तो ये हमने इनको माला पहना दिया है, और गठबंधन के लिए एक रेड कपड़ा हमने अलग से लिया हुआ है, जिसको हम यहाँ से टक कर देंगे, और ये रेड कपड़ा जो है ये गठबंधन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये अभी नहीं रखते हैं, ये बाद में करेंगे हम लोग। तो अब जो है हमारे तुलसी माता सज गई है, हम नारायण जी को हमने बैठा दिया है, शालिग्राम शिला को बैठा दिया है, यहाँ पे हमने घट स्थापना कर दिया है, और यहाँ पे जो गणपति जी भी बैठ गए हैं। सभी को हमें करना है पंचामृत स्नान का, थोड़ा 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 छीटा मारेंगे, ज़्यादा ये नहीं कर सकते। और अभी शालिग्राम जी को भी थोड़ा सा पंचामृत स्नान हम करवाएंगे, जो हमने पंचामृत बना के रखा है। नारायण जी को भी थोड़ा सा पंचामृत से स्नान करवाएंगे, और तुलसी माता को भी पंचामृत से स्नान करवाएंगे। वट में भी हम थोड़ा सा पंचामृत जरूर डालेंगे। तो इसके बाद जब पंचामृत डाल देंगे तो नारायण जी को हमें चंदन बहुत प्रिय है, हमने शालिग्राम जी को पहले ही चंदन लगा के रखा था, अब जो है हमने नारायण जी को भी चंदन लगाना है। तो इनको भी हम चंदन के टीका लगा देते हैं, थोड़ा सा चंदन हम तुलसी जी माता में भी लगाएंगे। तुलसी माता जी को अभी आप और इनके जो श्रृंगार का सामान है, इनके श्रृंगार के सामान इनके सामने हम रख देते हैं। आप चाहे तो गेरू से या कोई भी चीज़ से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सजा सकते हैं, मंडप जैसा सजा सकते हैं। लोग गन्ना लेके आके मंडप सजाते हैं, तो मेरे से तो मंडप अच्छा बनता नहीं है, नहीं मैं बना पाती हूँ, तो मैं ऐसे ही विवाह करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप गन्ने से मंडप बना सकते हैं। नारायण जी को हम थोड़ा सा अर्पण करेंगे तुलसी के पत्र, और आज जो है भगवान को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ते हैं, उनको तुलसी की मंजरी बहुत ही प्रिय होता है, तो आज हम इनको चढ़ाएंगे तुलसी की मंजरी, और थोड़ा सा तुलसी की मंजरी हम इनके ऊपर भी चढ़ाएंगे शालिग्राम के ऊपर। शालिग्राम जी को अभी हम येल्लो कपड़े में बैठा देते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे येल्लो कपड़े बना के रखा है, और येलो कपड़े में इनको बैठा देते हैं। अब हम जलाएंगे घी का दिया, क्योंकि जो दिया होती है ये अग्नि की प्रतीक है, और अग्नि साक्षी करके ही शादी होती है। तो हमने घी का दिया यहाँ पे शालिग्राम जी के सामने जला के रखा है, प्रज्वलित किया है। तो थोड़ा सा दिया यहाँ पे आप जला लीजिए, और इनको भी थोड़ा सा धूप फूल चंदन और रोली से पूजा कीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अष्टगंधा लगा रही हूँ, थोड़ा सा आप मौली मौली चढ़ा सकते हैं। दिया को भी टीका हो जाएगा। तो इस तरह से दिया का पूजा होने के बाद दिया को साक्षी मान के अब हमें करना है इनका गठबंधन। गठबंधन के लिए जो है हमने इस तरह का येलो कलर का कपड़ा लेके रखा है, और इस कपड़े में आपको लेनी है थोड़ा सा फूल, चाहे तो आप सुपारी वगैरह भी रख सकते हैं। एक कॉइन 21 रुपया, 11 रुपया, 101 रुपया और 1000 रुपया, जितना भी आपको लगता है उतना पैसे आप ले सकते हो। और इसी से हमारी हो जाएगी गठबंधन। ये है माता रानी की चुंडी, मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, चुंडी का एक पार्ट गठबंधन के लिए मैंने तैयार करके रखा है। जो इनके रेड कलर का चुनरी होती है, माता रानी के लिए रेड कलर का चुनरी लेनी है, और नारायण जी के लिए लेना है येलो कलर का कपड़े,
तो ये इनकी गठबंधन हो गई है, ये देखिए गठबंधन के बाद इनकी विवाह संपन्न होती है। तो इस तरह से हमने नारायण जी के ऊपर रख दिया है, इनको येलो कपड़ा इस तरह से रख दिया है। इसके बाद हम कराएंगे इनकी मुंह मीठा, नारायण जी भोग ग्रहण करें, शालिग्राम जी भोग ग्रहण करें, तुलसी माता भोग ग्रहण करें, सारे भगवान जी सभी भोग ग्रहण करें, और थोड़ा सा लड्डू का भोग भी आप ग्रहण करवा सकते हैं, थोड़ा सा लड्डू का भोग ग्रहण करवाएं और सभी के लिए इस तरह से आप चढ़ाएं। और आज के दिन भगवान जी के ऊपर मंजरी जरूर चढ़ते हैं, तो इनके ऊपर मंजरी जरूर चढ़ाएं। नारायण जी को साल भर ऐसे मंजरी नहीं चढ़ते, लेकिन आज के दिन तो चढ़ता ही है, क्योंकि आज नारायण जी बहुत ही खुश होते हैं। अब नारायण जी को जो पसंद है पान, ये हमने पान के पत्ते, एक इलायची और एक लौंग ले लिया है, और इस तरह से हम इनको जो है पान अर्पण करेंगे। आप चाहे मीठा पान भी ला सकते हैं। इस तरह से हम इनके ऊपर पान अर्पण करेंगे, पान देंगे, और इसी तरह से इनकी विवाह जो है संपन्न होती है। नारायण जी के ऊपर सफ़ेद चावल नहीं चढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग सफ़ेद तिल लेके आए हैं, इस तरह से सफ़ेद तिल लाए हैं, और नारायण जी के ऊपर सफ़ेद तिल ज़रूर चढ़ाए। तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसान तरीके से अभी हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुई। अब जो है हमें करना क्या है, हमें करना है इनकी आरती, और इनके सामान तो हमने पहले ही दे दिया है, श्रृंगार का सामान। आप चाहे तो चूड़ी और बाकी सामान सजा के यहाँ पे अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए चूड़ी रख दिया है, बाकी सामान यहाँ पे ही रखा है। तो दोस्तों अभी आरती की थाली तैयार कर लेते हैं और आरती कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें करनी है इनकी आरती, दोनों की आरती उतारी है, बड़े अच्छे से प्यार से आरती उतारा जाता है। ऐसे करके दिया हमने पहले ही लगा के रखा है, दिया दिखाए और भगवान जी को इस तरह से आरती दिखाए, माता रानी को आरती दिखाए, तुलसी माँ को आरती दिखाए, और इसके बाद हमें घंटी से इनकी फिर से आरती करनी है। और फिर हमें थोड़ा सा हम कपूर जलाएंगे। कपूर भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, तो कपूर ज़रूर जलाएं, भगवान को दर्शन करवाएं, पूरे घर में घुमाएं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से संपन्न होती है तुलसी विवाह। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और तुलसी विवाह का अच्छे से आपको पता चला होगा कैसे करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।